नमस्कार, क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल के आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है इंस्टेंट अपडेट्स हमारे शहर उल्हासनगर से। उल्हासनगर 4 के बाबा साईं दरबार में बाबा आसनदास जी के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। इन आस्थान से जिते सभी असा गड़जायूं असांजा परम पूज्य बाबा साईं आसनदास साहब जन जिन जो अज 52 साल जन्म उत्सव ढे धूमधाम से मल्हायो वञे थो। ये सारी संगत वेठी है इन पावन तीर्थ स्थान ते। ये मेला हमेशा लगंदा रहंदा है। सारी संगत किथां किथां जा सेवाधारी रागींदर एं मौज कंदर इंदा रहंदा है। ऐं हितां जा जेके सेवादार ही मेलो हर साल धाम धूम से मल्हाईंदा आहिनि ऐं इहा ई इच्छा असां रखंदासीं त हर साल असांजो सॼो साल बाबा जन जे कदमनि में बाबा जन जे चरणनि में उन्हनि जे आशीर्वाद सां असांजी ज़िंदगी हमेशा हरी भरी रहे, हमेशा खुशहाल रहूं। सारे जगत जा रचींदर ही असांजा बाबा साईं। आज बाबा साईंचा वाढदिवस इनके त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। त्यांचा आशीर्वाद या आमच्या बाबासाहेब परिवारावर कायम राहो अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो, गणरायाच्या चरणी प्रार्थना करतो। आज गणेशोत्सवानिमित्त खासदार श्रीकांत शिंदेसाहेब, आमदार बालाजी किनीकर, उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांत बोडारे साहेब, शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, नगर सेवक रमेश चव्हाण यांनी गणेशोत्सवाला भेट देताना सुद्धा बाबासाहेबांचे आशीर्वाद घेतले आणि त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। बाबासाहेब के जन्मदिन पर अवसर पर आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हमारे ठाकुर चांदवानी जी और सभी वो बाबासाहेब के मंडली भक्त परिवार उन्होंने रखा है, मैं सभी शहरवासियों की तरफ से बाबासाहेब जी को जन्मदिन की हार्दिक करोड़ करोड़ बधाई देता हूँ। हमारे शहर उल्हासनगर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के मौके पर
उल्हासनगर 3 में कंवरनाम गेट का भूमि पूजन किया गया। आइए आपको भी ले चलते हैं इसी खबर की ओर। आज हमारे शहर के आदरणीय लाडले नेता पप्पू कालानी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बेशुमार बधाइयां देता हूं। और मुझे याद है कि संत कंवरराम का जो स्टेचू लगा था उसका इनॉग्रेशन हमारे लाडले नेता पप्पू कालानी भाभी ज्योति कालानी के हाथों से हुआ था। और मुझे खुशी हो रही है कि उसी तर्ज को पकड़ते हुए आज यहाँ पर एक संत कंवरराम के नाम से एक शानदार गेट का उद्घाटन हुआ है जिसका कार्य अब चालू होगा। और बहुत ही मुझे खुशी से ये बात कहनी पड़ती है कि उसी कड़ी को आगे लेते हुए मेरे भाई ओमी कालानी ने वह जवाबदारी निभाई है और वो हमारे पास आए हैं और उस गेट का उन्होंने उद्घाटन किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे साहब कार्य करते रहे हैं उसी कड़ी को आगे पकड़ वो चलेंगे और इस शहर के समाज के कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। अमर शहीद भगत कंवर राम के नाम पर जो चौक बना हुआ है उसको आगे बढ़ाकर हम इस 3 नंबर में 20-21-22 सेक्शन हेडक्वार्टर्स को संत कंवर राम नगर का नाम दिए हैं और उसके लिए पहला गेट का उद्घाटन यहां पर हुआ है पप्पू साहब के जन्मदिन पर। और यह कार्य आगे भी होगा, 22 सेक्शन 21 सेक्शन 20 सेक्शन में भी गेट लगेंगे और सब तरफ सेक्शन का नंबर होगा। भगत कंवर राम नगर के नाम से यह एरिया पहचानी जाएगी। बोलो भगत कंवर राम की जय। गणेश उत्सव के 7वें दिन पर लोगों ने नम होकर अपने गणपति बाप्पा की प्रतिमा को किया अलविदा। कहा गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि उल्हासनगर 3 सेक्शन 18 की पारसमनी बिल्डिंग का एक स्लैब गिरा। मौका वारदात पर पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच गई। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। या बिल्डिंग से स्लैब पड़े जो हमारे बातमी वाले आम पानी के लिए चौथे मजल स्लैब तीसरा मजल कोसले है। बिल्डिंग धोखादायक दिसून येत आहे, त्यामुळे बिल्डिंग खाली करण्यात येत आहे। बिल्डिंग आता आम्ही चेक करू आणि जर का ती राहणार रिपेयर करणार देईल रिपेयर करतील लोक, रिपेयर करणार की नसेल तर बिल्डिंग निष्कासित करण्यात येईल। यहाँ पे कॉर्पोरेशन के सभी कर्मचारी तैनात है, सभी यहाँ पे आके देखे। लेकिन मुझे यहाँ पर आम जनता से एक गुजारिश करनी है, उन्हें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो अभी इस पारसमनी बिल्डिंग में हमें समझा है, यह पारसमनी बिल्डिंग की 4th फ्लोर के ऊपर का फ्लैट रात को 7 बजे गिरा है, फिर भी पूरे के पूरे जितने भी टीनेंट थे रहवासी थे रात भर वहाँ पर रहे। तो यह मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि अगर 7 बजे फ्लैट गिर रहा है तो सुबह तक सब लोग यहाँ पर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होने के बाद में प्रशासन हमें किस तरह से हेल्प करेंगे।
पूरे के पूरे कर्मचारी कॉरपोरेशन के यहाँ पे है। तो यहाँ इसके बाद अगर कोई भी बिल्डिंग में ऐसे हादसा हो रहा है तो तुरंत उन सब लोगों ने प्रशासन को या कॉरपोरेशन को इंटीमेट करके इमीडिएट बिल्डिंग को खाली करना चाहिए। अगर रात में 7 बजे से लेकर सुबह तक अगर कई लोगों की जीवित हानि होती थी, कुछ प्रॉब्लम होता था या किसी की जान जाती थी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम इस जिम्मेदारी को कहते कि शासन जिम्मेदार है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर स्लैब 7 बजे गिर रहा है तो सुबह तक हम सब टिनेंट वहाँ पे है, तो प्लीज़ करके आगे से आने वाले कोई भी बिल्डिंग में अगर ये हादसा हो रहा है तो सभी रहवासी लोगों को, सभी टिनेंट लोगों को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि तुरंत उस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए ताकि हम प्रशासन को इसके बाद में जिम्मेदार ना ठहराए। हमारे शहर उल्हासनगर में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत ही तहकीकात कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एक जीजा ने अपने साले का अपहरण किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। कल शाम 7:30 बजे के दरमियान पूजा हॉस्पिटल के सामने राजा निवास में रहने वाले दीपक नंदलाल आहूजा, इन्होंने पुलिस स्टेशन में आके बताया कि उनके कजिन राकेश आहूजा को उनके घर के सामने से शाम 7:30 बजे इनोवा कार में उनके रिश्तेदार रहे विके नोतवानी, उन्होंने और उनके 4-5 साथियों ने घरेलू झगड़े की वजह से उनको मारपीट करके अगवा कर लिया। यह इन्फॉर्मेशन जैसे ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में दी, तुरंत इस बात का गंभीरता देखते हुए हमने तुरंत ये जो इनोवा कार के बारे में मालूमात निकाल कर और वो कहा जिस मतलब तुरंत उनका लोकेशन ट्रेस करने के लिए नासिक कंट्रोल थाना कंट्रोल थाने रूरल कंट्रोल मतलब आजू बाजू के जो जिले हैं उनको भी सतर्क कर दिया कि ऐसे इनोवा कार में अगवा करके लेके गए हैं इस और तुरंत एक टीम तैयार करके जैसे उनका मोबाइल से लोकेशन ट्रेस हुआ कि वो जलगांव की तरफ जा रहे हैं, तो एक टीम पीएसआई तोरगल और उनके साथ 4 लोगों की टीम तुरंत रवाना कर दी और ये जो गाड़ी है इनोवा उसे नासिक ग्रामीण के तहत जो चंदवड़ आता है, चंदवड़ टोल नाका है, वहाँ वो ट्रेस हो गई और वहाँ के पुलिस में उनको ताबे में ले लिया हमारी इंफॉर्मेशन की वजह से। और जो अगवा किया गया था जो विक्टिम है राकेश, उसको हमने सही सलामत वापस यहाँ ले आई है हमारी टीम। और जो विकी और उसके जो 5 साथीदार थे उनको भी हमने हिरासत में ले लिया है और इन सब के खिलाफ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी कलम 364 किडनैपिंग फॉर पर्पस मर्डर इस सेक्शन से दाखिल किया है और पूरे 6 लोग थे। तो बस ये था हमारा आज का क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे हमारे नए एपिसोड में शहर की इंस्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई खबर है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे क्लासिक 24 में। धन्यवाद।